बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ जिस तरीके से पाकिस्तान के रसवाई का बाइस बन रहा है और पूरी दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ की वजह से, हुकूमत की वजह से, इनके वज़रा की वजह से, इनके नाअहल और करप्ट लोगों की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर जो तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है, उसमें चीन ने अब इतनी बड़ी डिमांड और शर्त रखती है जिसकी वजह से पाकिस्तान के रियासत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है और उन्होंने इमरान खान की रिहाई की भी शर्त रख दी है। आलमी सतह पर इमरान खान की जो याद है वो सताने लगी है। मोहम्मद बिन सलमान से लेकर चाइना तक, यूएई से कतर, कुवैत, ओमान तक, तमाम ममालिक में और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद भी इमरान खान की हर तरफ जो है वो बात हो रही है। तो ये तमाम ममालिक इमरान खान की रिहाई के मुंतज़र हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए जोर दे रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीन की जानिब से डिमांड की गई है वो बहुत हैरान कन है, बहुत हैरान कन है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह की डिमांड जो है वो चीन की जानिब से की गई है और चीन ही वाहिद मुल्क है जिसने ये डिमांड रखी है। अदरवाइज़ किसी मुल्क ने इस तरह की ना तो किसी मुल्क के साथ शर्त रखी है, किसी मुल्क के सामने कोई डिमांड रखी है, ना किसी मुल्क के सामने कोई ऐसा मशवरा रखा है। पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के आने के बाद सियासी मुआशी इस्तेहकाम, अदब इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस्तेहकाम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। उसी के नतीजे में पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई और दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हो गया। ना सिर्फ दहशतगर्दी की लहर आई बल्कि उसमें अब इजाफा हो चुका है और वो दहशतगर्दी की लहर जो है वो आसमान पर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आड़ में किन को निशाना बनाया जा रहा है? चाइनीज़ वर्कर को निशाना बनाया जा रहा है। अब चीन ने पाकिस्तान की रियासत के सामने, हुकूमत के सामने और इस्टेब्लिशमेंट्स के सामने, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की फ़ौज के सामने ये डिमांड रखी है कि हम पाकिस्तान में अपने वर्कर्स को तब भेजेंगे, पाकिस्तान में अपने जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले लोग हैं जो कि चाइनीज़ हैं, चीनी शहरी हैं, उनको तब भेजेंगे जब हम अपनी सिक्योरिटी को भेजेंगे साथ। यानी अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हम अपनी फ़ौज को साथ में भेजेंगे, हम अपने सिक्योरिटी के लोगों को साथ में भेजेंगे। अब हमें पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। ये इतनी बड़ी चपेट मारी है, कितना बड़ा उन लोगों ने ये फैसला किया है और इतना बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में पहली मरतबा हुआ है कि किसी मुल्क ने इस तरह की शर्त और डिमांड रखी है। अब ये इस डिमांड को पूरा करते हैं तब भी फंस जाते हैं, डिमांड को पूरा नहीं करते तब भी फंस जाते हैं। अब ये ऐसे सिचुएशन के अंदर आ गए हैं। इमरान खान के मतलब उनकी बातें अब सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में तो ऐसा कोई मसला नहीं था, इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी मुकम्मल ख़त्म हो गई थी, बल्कि इमरान खान ने तो अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालने में अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने में अहम किरदार अदा किया। तो इमरान खान के होते हुए तो ये मसाइल नहीं थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान को हटाया गया, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया, इमरान खान की छुट्टी करवाई गई, तब से ये मसाइल पैदा हुए। और मसाइल कौन से हैं जिसमें दहशतगर्दी ने सर उठाया, अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई, मामलात ख़राब हो गए, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गया। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से चीन आज शदीद परेशानी में मुबतला है और चीन के शहरियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, चीन के शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, चीन के शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको धमाके से उड़ाया जा रहा है, जिसके ऊपर चीन ने अपनी तशवीश का इजहार किया। अब ये अगर इस डिमांड को पूरा करते हैं, शर्त को पूरा करते हैं तब भी फंसते हैं, और अगर इस शर्त को पूरा नहीं करते तो तब भी फंसते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि चीन ने कहा है कि अब हमें अपनी सिक्योरिटी खुद लानी पड़ेगी, अपने शहरियों का तहफ़ खुद करना पड़ेगा, अब हमें पाकिस्तान के फौज के ऊपर भरोसा या अतमाद नहीं है। अगर इस शर्त को पूरा किया जाता है और चीन अपनी फौजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल नाकाम हो गई, पाकिस्तान की फ़ौज जो है मुकम्मल तौर पर फारिग हो गई, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो चीनी शहरियों का तहफ़ करने में, पाकिस्तान का तहफ़ करने में नाकाम हो गई। तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मचाल है कि हुकूमत के ऊपर ज़रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क पड़ा हो,
हुकूमत गुजरा बराबर भी इसका ख्याल आया हो, हुकूमत गुजरा भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। इस्टैब्लिशमेंट के लिए तो ये किसी मौत से कम नहीं है, इस्टैब्लिशमेंट के लिए तो ये बात किसी मौत से या क़यामत से कम नहीं है कि उनकी सलाहियत के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया। और पूरा मीडिया इस वक्त, दुनिया का जितना मीडिया, ख़ासतौर पर इंडिया, इस बात को बड़ा उछाल रहा है, क्योंकि इंडिया के पास तो ये मौका चाहिए, इंडिया को तो ये एक मौका चाहिए कि हम पाकिस्तान को कैसे टारगेट करें, पाकिस्तान को कैसे, पाकिस्तान की फ़ौज को हम कैसे निशाना बनाएं। उनके हाथ में ये हथियार आ गया है कि चाइना ने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर अदम एतमाद करते हुए अपनी फ़ौज को चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान में उतारने का फ़ैसला किया है। तो अगर ये आ जाती है तब पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा, और अगर वो नहीं आते, अगर वो अपनी फ़ौजों को नहीं भेजते अपने चीनी शहरियों के साथ, चीनी वर्कर्स के साथ, चीनी इंजीनियर्स के साथ, तो फिर होगा ये कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को पैक कर देंगे, वो अपने मामलात को बंद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि चीन ने दो टुक अंदाज में कह दिया है कि अब हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है, अब हमने यहाँ से आगे का रास्ता निकालना है, अब हमने पीछे नहीं जाना, अब हमें यहाँ तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेके चले जाना है, या फिर हमें आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को कहें कि हमें सिक्योरिटी फ्राहम करें, हमें तहफ़ फ्राहम करें, हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्राहम करें। अगर ये नहीं होता तो फिर हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पैकअप करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये हशर हो गया, और शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब जा रहा है तो कभी बाकू जा रहा है तो कभी अजरबैजान जा रहा है तो कभी किसी मुल्क जा रहा है तो कभी किसी मुल्क जा रहा है। उसको फिक्र ही नहीं है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको इस बात की टेंशन ही नहीं है, उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान के मतलब दुनिया में अब क्या बात हो रही है और पाकिस्तान के मतलब दुनिया में अब क्या इमेज बन चुका है, ये हालत हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, इस सूरत हाल में जहाँ पर सियासी मुआशी तबाही और बर्बादी, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर, मुल्क के अंदर अमन अमान की ख़राब सूरत हाल, इस सिनारियो में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आएगा और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, और इससे मज़ीद तबाही और बर्बादी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा गिरावट क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और पाकिस्तान की फ़ौज को बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हम अपनी फ़ौजें लेकर आएंगे अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, वरना हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, वरना हम पाकिस्तान के अंदर अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, अपने सारे जो काम हैं, यहाँ पर जितने प्लांट्स हैं वो सारे सारे बंद करके, पैकअप करके हम यहाँ से चले जाएँगे।